जय माता रानी की। दोस्तों प्यार भरा प्रणाम आप सबको। मेरा कैसे हुआ आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में दीपा नेगी पहाड़ी। तो दोस्तों आज मैं अपने ससुराल में हूँ और मेरे ससुराल में हो रही है आज हल्की फुल्की बर्फबारी। हल्की फुल्की मानो तो कार्तिक स्वामी का रण आप देख रहे होंगे। कार्तिक स्वामी तो फुल बर्फ गिर चुकी है और मेरे ससुराल के ऊपर से भी जंगल में बर्फ गिरी हुई है और यहाँ पर हो रही है हल्की फुल्की बर्फबारी और बारिश भी लगी हुई है दोस्तों। तो ये देखिए सुबह सुबह बहुत ही अच्छा व्यू देख सकते हो आप लोग। ये कार्तिक स्वामी है और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि मैं मायके गई थी तो दीदी क्या करनी उठी ओ जैसे अच्छा तो जैसे मैंने बताया था कि मैं मायके गई थी तो मायके से मैं लेके आई पोसा मैने का कयो यानी लड्डू, क्योंकि अरसे रोटी बनाने का तो टाइम मिला नहीं मेरे मम्मी पापा लोगों को, क्योंकि वो तो गांव में बनता है, पोखरी में कहाँ बन पाता गैस में, उसके लिए तो चूल्हा जगाना पड़ता है, तो पोखरी में चूल्हे चाले की व्यवस्था तो है नहीं। तो उन्होंने दिए मेरे को लड्डू और लड्डू बोले तो अभी तो नीचे पन्नी में है, बहुत ही टेस्टी लड्डू हैं दोस्त, ही मतलब पीले पीले टाइप के लड्डू हैं, अच्छे वाले लड्डू हैं। तो मैं सारे गांव में इनको बांट के आऊँगी। तो ये रही पॉली मेरे हाथ में देख सकते हो आप लोग। तो आधे गांव में तो यहाँ से ऊपर मैं बांट चुकी हूँ और यहाँ से नीचे अब मैंने अब बांटना है सारे गाँव में। तो आप लोगों को दिखाऊँगी कि गाँव प्रत्येक गाँव में प्रत्येक के घर पर कैसे लड्डू बांटे जाते हैं हमारे यहाँ। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए आप लोगों के साथ। ठीक है हेलो दोस्तों, तो देखिए फाइनली बर्फ गिर चुकी है। वाओ दोस्तों, तो एक दो जगह पे मैं दे चुकी हूँ। ए नीलू यो जी को जाए लीवल पेणो ओ दोस्तों ये देखिए ऐसे दिया जाता है। ले यो यो जी को तो भी दिया मैं कौछ मेद पोखरी में तो जे छो जा मुझे माती तो कब आए मेद बे ओ ए जी सबके घर पे जाके देना पड़ता है पुराने रीति। अच्छा जी प्रणाम ले आवा यू सुधा बाटो दोस्तों। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था गांव में एक पुराना घर भी है हमारा, लेकिन अब वो हमारा नहीं रहा, हम उसको दे चुके हैं जो मेरी जेठानी लोग हैं उनको दे चुके हैं। तो ये लाओ कर ए दीदी ए जी ए जी प्रणाम ये रहा हमारा पुराना घर। ए दीदी जेठ जी प्रणाम ले आ पैणू ची मबल पहले भेर मुता पहले भेर था न पहले भेर था ए जी मैं इतना पोखरी में तो छोवा जाई हूं। अच्छा तो ये देखिए ये मेरी जेठानी यही हमारा पुराना ये आपने देखे होंगे घास काटते हुए मेरे साथ ही। हेलो दीदी दीदी पढ़ मैं ज्यादा दिन के लिए मायके गई नहीं थी इसलिए मैं पैर नहीं छू रही हूँ लेकिन छूना पड़ा है तो आप चाय बना के रखो आती हूँ मैं। और ये कब आए तू लोग जानी। हेलो दीदी दीदी प्रणाम ये देखे हाँ तो ठीक चल रहा है दीदी बाल छिनवाए दीदी
ये देखिए दोस्तों, सिमरतल यानी हमारा ही गांव है। और ये देखिए, देख सकते हो आप लोग कार्तिक समय में कितना ज़्यादा बर्फ़ गिरा हुआ है और यहाँ भी गिरी जाएगा। और ये नीचे की रोड दिख रही है, ये सुवारी घास, ये देखिए सुवारी गांव है, ये देख सकते हो आप लोग, ये देखिए सुवारी गांव, देखिए ये रास्ता जा रहा है नीचे सुवारी गांव के लिए। और देखिए अभी फाइनली मैं सारा पैना बांट चुकी हूँ, अभी इनके घर में देना बाकी है। तो ठीक है दोस्तों, मौसम भी ज़्यादा ख़राब ही हो रहा है, बारिश बुरिश भी लग रही है, तो मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ बाज़ार घिमतोली मार्केट में। तो दोस्तों मेरी आवाज़ थोड़ा कल परसों कम आ रही थी ना, लेकिन अब से मैं तेज़ बोलूँगी क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं आप बहुत हल्का बोल रहे हो, तो इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ बोलने की कोशिश करूँगी दोस्तों। तो अभी मैं मार्केट में हूँ, घिमतोली मार्केट में, और अपनी दुकान के ऊपर छत पर बैठी कहाँ हूँ, खड़ी हुई हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग कितना सुंदर नज़ारा है हमारे गाँव का, बहुत ही सुंदर, देखिए बहुत ही प्यारा सा नज़ारा है। और ये देखिए वाव, और देखिए स्वामी कार्तिक स्वामी, और देखिए बर्फ, कितनी प्यारी जगह है, वाव देख सकते हो दोस्तों आप लोग। तो ठीक है, ये देखिए छान्यू माँ करूँ डेरू, छान्यू माँ करूँ डेरू, घर गऊँ छोड़ू चा, लठड़ी तेरे बाना खड़ूया तेरे खाती, लठड़ी तेरे बाना खड़ूया तेरे खाती, छुयाले छुई सरोना रिसाले रिसोड़ा, छुयाले छुई सरोना रिसाड़े रिसोड़ा, तुम्हारी मेरी माया का गीत लगोड़ा, आँखा को दूड़ी बूजी, आँखा को दूड़ी बूजी, बोगा मनाणू छठला तेरे बाना खड़ूया तेरे खाते। तो देखिए दोस्तों, ठीक है आज का ब्लॉग भी मैं ही समाप्त करती हूँ, और सब लोगों को फिर से मेरा सादर प्रणाम, अपना प्यार और सपोर्ट प्लीज़ ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग पूरा देखने के लिए। तो जय माता रानी की।